हेलो एवरीवन, देखिए आज हम लोग देखेंगे परफेक्ट नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ए पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स इंक्लूडिंग वन इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ठीक है, मतलब ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसके आप डिवाइजर्स को जोड़ेंगे। ठीक है, सम ऑफ क्या लिखा है, सम ऑफ लिखा है आपका प्रॉपर डिवाइजर्स। ठीक है, तो प्रॉपर डिवाइजर्स का मतलब ये है कि प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है कि आपको पता है कि वन और जो नंबर है खुद वो दोनों डिवाइजर ही होता है, तो उसको छोड़ करके बाकी जो डिवाइजर होता है उसको प्रॉपर बोलते हैं। तो प्रॉपर लेना है लेकिन आपको वन को भी लेना है। ठीक है, इन सब को जोड़ने से अगर वो खुद अपने नंबर के बराबर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ए पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग दी नंबर इट्सेल्फ। ठीक है, जो नंबर है वो भी चूंकि खुद का डिवाइजर होता है उसको छोड़ देना है, उसको छोड़ने के अलावा बाकी जो डिवाइजर का सम होगा अगर वो खुद नंबर के बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको इसको एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल ये है कि नंबर वन ये याद रखिए कि सिक्स जो है, सिक्स इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। ठीक है, सिक्स जो है आपका क्या है, वो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है। आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए आप पहले ये देखिए डिवाइजर्स ऑफ सिक्स क्या क्या होता है। डिवाइजर्स ऑफ सिक्स, तो देखिए ये होता है आपका वन, वन होता है, वन तो कोई भी होगा, टू होता है, थ्री होता है और सिक्स होता है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है आपका ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर, ओके। और ये जो है हमारा, जो वन है और सिक्स है, क्योंकि कोई भी नंबर को वन और सिक्स तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा ही करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर डिवाइजर, इम्प्रॉपर डिवाइजर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिवाइजर होता ही है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर डिवाइजर भी बोल सकते हैं या इसको आप ट्रिवियल भी बोलते हैं ना, ट्रिवियल, ट्रिवियल डिवाइजर्स। ठीक है, डिवाइजर, ठीक है, ओके। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो ये देखिए, तो टू और थ्री तो हमको क्या बोलता है कि जब आप ऐड करेंगे तो सिर्फ प्रॉपर डिवाइजर को ऐड करेंगे। ठीक है, और एक को भी ले लेंगे ऊपर से, और नीचे में बोलता है कि आप सब को लेंगे लेकिन नंबर को छोड़ देंगे। यानी हमको हर केस में क्या करना है, जो लास्ट वाला है ना उसको हमको छोड़ देना है, उसको नहीं लेना है। ठीक है, लास्ट वाले को, ठीक है, तो सबसे लास्ट में होगा उसको छोड़ देना है। तो बाकी का आप सम निकालिए, देखिए सम क्या आता है, तो सम ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग सिक्स, सिक्स को छोड़ करके बाकी को हम जोड़ रहे हैं, तो क्या आएगा, देखिए वन प्लस टू प्लस थ्री, क्या आता है, सिक्स ही आ रहा है। ठीक है, यानी खुद जो नंबर था वही आ गया। ठीक है, तो चूंकि जब इसका जो डिवाइजर का सम है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द नंबर, वो खुद एक नंबर ही आ जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। देयरफॉर क्या हो गया आपका, सिक्स इज ए परफेक्ट नंबर। ठीक है, सिक्स हमारा क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा और परफेक्ट नंबर होता है, तो उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए है ना, अदर परफेक्ट नंबर्स आर, अदर परफेक्ट नंबर्स आर। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे आपको बहुत सारा परफेक्ट नंबर मिलेगा। जैसे देखिए 28, इसको आप देखिएगा, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा परफेक्ट नंबर है। ठीक है, आप इसको देख करके बताइएगा, ठीक है, कि 28 किस तरीके से हम लोगों का परफेक्ट नंबर है। ठीक है, इसके अलावा 496, इसको आप देखेंगे ये भी परफेक्ट नंबर है। ठीक है, 8128, ये भी आपका क्या है, परफेक्ट नंबर है। और भी आप परफेक्ट नंबर को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के, यहाँ पे अगर 28 की हम लोग बात करें डिवाइजर्स की, ठीक है, तो इसके डिवाइजर्स क्या क्या होंगे, ये आप भी जानते हैं। जैसे इसका डिवाइजर एक वन तो खुद लेंगे, ठीक है, टू भी होता है ना, फोर भी होगा, वन टू फोर सेवन फोर्टीन और देयर आफ्टर 28, ये है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इसमें
इसको छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है लास्ट वाले को, ठीक है। तो हम लोग जब सम करेंगे, सम तो क्या आ जाएगा, वन प्लस टू प्लस फोर प्लस सेवन प्लस फोर्टीन, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा थ्री फोर सेवन सेवन फोर्टीन और फोर्टीन 28। तो खुद जो है वो नंबर ही आ जाता है, ठीक है, जिसका हम लोग डिवाइजर का सम निकाले हैं। इस तरीके से ये परफेक्ट नंबर है। इसी तरीके से आप 496 को भी चेक कर सकते हैं, 812 को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ रिजल्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। हम मैं इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ, देखिएगा ना। कुछ हम लोग यहाँ पे रिमार्क्स की बात करते हैं, ठीक है। रिमार्क्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए नंबर वन है ना, ए पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर स्मॉल एन, ठीक है, इज सैड टू बी परफेक्ट नंबर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर बोलेंगे, ठीक है। कब, इफ सम ऑफ इट्स ऑल डिवाइजर्स डिवाइजर्स इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू एन। देखिए ये भी बहुत जो है लॉजिकल जो है डेफिनेशन हो जाएगा, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन भी नहीं है। क्या है, देखिए बोलता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर आपका स्मॉल एन क्या होगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। कब, अगर आप उसके सारे डिवाइजर को जोड़ दें, किसी को मत छोड़िए, सबको जोड़ दीजिए, तो क्या आना चाहिए, टू एन आना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ये काफ़ी ईजी है सोचना इसको, अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए हम लोग जब ऊपर जोड़ रहे थे तो हम लोग को क्या आ रहा था, है ना, जो सम ऑफ डिवाइजर्स था, डिवाइजर्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग नंबर, एक्सक्लूडिंग नंबर। तो यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है, वो नंबर है आपका n, ठीक है। तो n को छोड़ करके बाकी जो सम था वो n ही आ रहा था। तो अगर मैं इस n को भी जोड़ दूंगा, ठीक है, टेकिंग n also, अगर मैं s को भी ले लूँ तो सम क्या आ जाएगा, तो सम जो है वो हो जाएगा आपका n पहले से था और एक n और जुड़ जाएगा, 2n। तो अगर हम लोग सबको जोड़ दें और वो जो है नंबर का डबल आ जाए, क्या आ जाए, ट्वाइस दी नंबर आ जाए, ठीक है, सम जो है, जो सम ऑफ डिवाइजर्स है वो क्या आ जाए, वो ट्वाइस दी नंबर आ जाए, तो क्या होगा, तब भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, तब भी हम लोग उसको बोलेंगे परफेक्ट नंबर। जैसे आप देख सकते हैं फिर से, ठीक है। जो देखिए एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, सिक्स, तो सिक्स का डिवाइजर कौन है, ठीक है, तो डिवाइजर्स ऑफ सिक्स कौन कौन है, वन है, टू है, थ्री है, सिक्स है, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए सम, ठीक है, तो सम ऑफ डिवाइजर्स क्या क्या हो जाएंगे, तो सम ऑफ डिवाइजर्स हो जाएंगे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स, सबको ऐड कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा ट्वेल्व। देखिए टू इंटू सिक्स आ गया ना, ट्वाइस दी नंबर, तो आपका सिक्स क्या है, आपका ये जो सिक्स है हम लोगों का ये परफेक्ट नंबर है। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, इसी तरह से आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो हम लोगों का सेकंड एग्जांपल था 28, ठीक है, तो डिवाइजर्स ऑफ 28 ये क्या होता है, तो ये हम लोग देखते हैं, ये होता है हम लोगों का, ठीक है। तो 28 का जो डिवाइजर है वो है 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28, ठीक है। इसका आप सम निकालेंगे तो क्या आएगा, सम ऑफ डिवाइजर्स आ जाएगा 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7, 7 + 14 = 28 + 28 = 56। तो आप देख रहे हैं जस्ट क्या आ रहा है, डबल द नंबर आ रहा है, ठीक है ना, यानी ये भी आपका परफेक्ट नंबर। तो देखिए अब यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों बताया, इसके वजह क्या है, ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इससे आपको क्या हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। देखिए हमारे पास में दो जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है वो हमको हेल्प देगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग दो रिज़ल्ट जानते हैं। जैसे एक रिज़ल्ट होता है हम लोगों के पास में, कौन सा, कि हम लोग डायरेक्ट नंबर ऑफ डिवाइजर्स पता कर सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिवाइजर्स, ठीक है, ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक है,
कोई भी आपको नंबर इन दिया हुआ है तो उसका आप पहले तो नंबर ऑफ डिवाइजर फॉरन पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है, और वो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए मेरा एन जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा हुआ है, किस तरीके से, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, पी का पावर अल्फा, क्यू का पावर बीटा और आर का पावर गामा, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये है जहां आपका पी क्यू आर क्या है, आर प्राइम्स है, ठीक है, ओके, और अल्फा बीटा गामा ये आपका इसका पावर है, इंडिसेस है। तो ये जो है ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को, तो आप फौरन से वहाँ पे कितना उसमें डिवाइजर होगा ये पता कर सकते हैं। कैसे पता करना है, तो सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इंटू गामा प्लस वन, मतलब जो पावर है ना, पावर में एक ऐड करके आपको क्या कर देना है, आपको उसका प्रोडक्ट निकाल देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वो काम हो जाएगा, बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए मतलब अगर आपके पास में ज़्यादा भी है तो ज़्यादा भी है तो आप ऐसे पाई लगा देंगे, पाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे अल्फा प्लस वन, ठीक है ना। जितना भी तरह का होगा इस तरह का पावर सब में एक ऐड करके आपको उसका प्रोडक्ट निकाल देना है, बात फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपको देता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ डिवाइजर आपको मिल गया। इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो सम है, सम भी निकालना काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अगर आप सम निकालना चाहेंगे तो वो भी बहुत इजी निकलेगा। जैसे नंबर टू मेरा जो रिजल्ट है वो है सम ऑफ डिवाइजर्स का, ठीक है, सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ गिवन, सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ गिवन नंबर या गिवन इंटीजर n, ठीक है। अगर आपके पास में कोई गिवन इंटीजर n है और n को आप इस तरीके से लिख देते हैं प्राइम फैक्टर में, p अल्फा, q का पावर बीटा, ठीक है, r का पावर गामा, इस तरह से, तो इस तरह का अगर होगा तो इसका जो सम ऑफ डिवाइजर्स आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, वो इज आएगा इक्वल टू, आपको ऐसे निकालना है, क्या करना है, देखिए p का जो है ना, जो भी आपको प्राइम दिया हुआ है उसको आप जीरो से शुरू करेंगे पावर में, p का पावर जीरो, p का पावर वन, p का पावर टू, ठीक है, और ये जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा p का पावर अल्फा तक, ठीक है। इसी तरीके से q का पावर को भी आप जीरो से शुरू करेंगे और ये भी आपका जाएगा q का पावर बीटा तक, चाहे जो भी वो, ठीक है, या आप r को भी जीरो से शुरू करेंगे और ये जाएगा आपका r का पावर गामा तक, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। और देखिए, चूंकि आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ये जीपी है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक सम है, तो फिर फर्दर भी आप इसको लिख सकते हैं आसानी के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चूंकि इसमें देखिए, इसमें आपका अल्फा प्लस वन पावर है, ठीक है ना, कुल जो है कितना नंबर ऑफ टर्म है, इसमें नंबर ऑफ टर्म है आपका अल्फा प्लस वन, ठीक है। तो अल्फा प्लस वन जो है टर्म है, तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं पी का पावर अल्फा प्लस वन माइनस वन बाई पी माइनस वन, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसको आप ले सकते हैं क्यू का पावर क्या, बीटा प्लस वन माइनस वन बाई क्यू माइनस वन। इसी तरीके से यहाँ पे आप ले सकते हैं कि आर का पावर गामा प्लस वन माइनस वन बाई बाई आर माइनस वन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो है सम ऑफ डिवाइजर मिल जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे को निकालना है 28 का, ठीक है, n अगर मेरा 28 है तो 28 को प्राइम फैक्टर में कैसे लिखेंगे, तो 4 से बन जाए यानी 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 1, ठीक है, दोनों प्राइम में लिखा गया, आपका प्राइम फैक्टर में लिखा गया, ठीक है। अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर, तो इसके लिए तो कुछ नहीं करना है, इसके लिए आप देखेंगे डायरेक्ट जो पावर है उसमें आप एक ऐड कर दीजिए 2 प्लस 1 और इंटू 1 प्लस 1, तो ये क्या आ जा रहा है 3 इंटू 2 यानी 6। तो नंबर ऑफ डिवाइजर 6 से ऊपर हम लोग देखे थे, है ना, 28 में कितना डिवाइजर होता है, 6 ही होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 7 होता है, 14 होता है और 28 होता है, ठीक है, 6 आ रहा है तो 6 ही होता है। अच्छा, अगर आपको सम निकालना है तो सम आप निकालेंगे, तो सम ऑफ डिवाइजर्स आप ऐसे निकालेंगे, सम ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं चाहे तो, देखिए यही हम लोगों का फॉर्मूला है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 2 का पावर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस वन लेना है, ठीक है ना, यानी
आपको पावर जो है एक ज्यादा लेना है, तो 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 3 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 एक हो गया इंटू, फिर दूसरा 7 है तो 7 का पावर 1 बढ़ाइएगा तो 7 का पावर 2 माइनस 1 बाई 7 माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसका वैल्यू क्या आ जाता है, इसका वैल्यू आज आपका आ जाएगा इसका वैल्यू आ जाता है 8 माइनस 1 7, और इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 49 माइनस 1, ठीक है 48, 48 बाई 6, तो ये आपका आ जाता है 8 आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है, और 7 8 जा क्या होता है 56। देखिए फिर से ये क्या है आपका 2 इंटू जो आपका नंबर था 28 वो आ गया, ठीक है ना। यानी कि आपका क्या है, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 28 मेरा क्या है इस परफेक्ट नंबर। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया इससे अब आपको बहुत हेल्प होगा, आप बड़ा से बड़ा नंबर को चेकआउट कर सकते हैं कि वो परफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक है ना, जैसे अब मैंने दो आप और एग्जाम्पल बताया था, क्या क्या मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था परफेक्ट नंबर का, तो एक मैंने आपको बताया था कि 496, 496 क्या है इज ए परफेक्ट नंबर, ये आपका एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है ना, ओके अच्छा। फिर मैंने आपको एक क्या बताया था, एक मैंने आपको ये बताया था कि 8128, 8128 ये भी क्या है, ये भी आपका एक क्या है परफेक्ट नंबर है, ठीक है अच्छा। तो आप ये प्रूफ करके दिखाइएगा, इसको आप प्रूफ कीजिए खुद से, ठीक है, डू योर सेल्फ। इसको मैं करके दिखाता हूँ, जैसे 8128 है तो 8128 को पहले हम लोग प्राइम फैक्टर में कर लेते हैं, देखिए इसको हम लोग 4 से कर सकते हैं, ठीक है 4 2 जाए 8, 4 3 जाए 12, 4 2 जाए, ठीक है फिर 4 से 4 5 जाए 20 और 4 8 जाए 32, ठीक है फिर 4 से 4 1 जाए 4 110, 4 2 जाए 8, 4 7 जाए, ठीक है। तो ये तो आपका प्राइम आ गया, 127 क्या है एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इधर आपका देखिए 4 है 4 है 4 है, अगर मैं इसको प्राइम में करूं तो प्राइम में क्या हो जाएगा 2 का पावर हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है ये 4 4 4 के बदले 2 का पावर 6, तो 812 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 का पावर 6 इंटू 127 का पावर 1, ठीक है ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया, दोनों क्या है दोनों आपका प्राइम है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे मेरा हो गया, ठीक है अच्छा। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसका डिवाइजर्स निकाल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होगा, अगर आपको चाहिए तो ऐसे यहाँ पे तो जरूरत नहीं है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर आप निकालना चाहते हैं डिवाइजर्स ऑफ 8126 तो ये क्या आ जाएगा, तो सिंपली आपको पावर जो है उसमें एक ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है 6 और 1 7, 7 इंटू 2 7 2 या 14, ठीक है। तो इसमें 14 डिवाइजर्स होंगे, ठीक है। और अगर आप सम निकालते हैं तो ऐसे निकाल लीजिए सम ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, तो सम ऑफ डिवाइजर्स क्या आ जाएगा देखिए, तो ये हम लोगों का कैसे निकलेगा, तो 2 का पावर 6 है तो 2 का पावर 6 को देखिए हम लोगों को क्या करना है 2 का पावर एक बढ़ा देना है 7 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, ये हो गया। फिर दूसरा क्या है 1 है पावर, तो इसमें एक बढ़ाएंगे तो 1 2 7, ठीक है ओके अच्छा इसका देखिए ये काफ़ी इजी होता है, जैसे 1 2 7 का पावर चाहे तो आप 2 माइनस 1 कीजिए और नीचे में 1 2 7 माइनस 1 ऐसे कर दीजिए, या तो इसका एक तरीका मैं और बता रहा हूँ, चूँकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप देखिएगा तो सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये तो ये सेल्फ करना ईजी है ना, 2 का पावर 7 माइनस 1 इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 7 ठीक है प्लस 1, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो ए माइनस बी आपका कैंसिल हो जाएगा तो प्लस बी बचेगा, तो जो सिंपल वे है उसको इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 आप निकालेंगे तो कितना आ जाता है 128, 128 में 1 माइनस करेंगे तो 127 आ जाएगा, ये आपका 128 आ जा रहा है, ठीक है दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 16256, ठीक है। अब ये देखिए ये एग्जैक्टली क्या है 2 इंटू नंबर, नंबर कितना था मेरा 8126, देख रहे हैं ना डबल आ गया है 816 के, ठीक है, यानी कि क्या है आपका 8126 क्या है 8126 इज ए परफेक्ट नंबर, ये आपका एक परफेक्ट नंबर है। तो आई होप काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए ये वीडियो, ये जो मेरा लेक्चर है, इसलिए कि मैंने इसमें परफेक्ट नंबर भी बता दिया आपको,
नंबर ऑफ डिवाइजर्स भी बता दिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, और सम ऑफ डिवाइजर निकालने का आसान तरीका भी बताया है। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। समझ में आया तो लाइक तो ज़रूर कीजिए, ठीक है, लाइक बनता है। और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए, इसमें काफ़ी कुछ है, ना सिर्फ BSc लेवल का बल्कि इसके बाद अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन लिखते हैं तो उसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।